क्या PSL खेलना कभी आपका ख्वाब था? PSL खेलना एक हर क्रिकेटर का ख्वाब होता है पाकिस्तान में। मेरा भी यही ख्वाब था 5 सालों से कि मैं PSL में खेलूं और अपनी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं। और मैं काफ़ी फॉलो करता हूं PSL को, क्योंकि यहां से काफ़ी यंग प्लेयर्स ऊपर पाकिस्तान टीम में आते, तो मेरा भी यही टारगेट है कि मैं इस टूर्नामेंट का अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ इस टूर्नामेंट में और बेस्ट बॉलर बनूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करूँ। मुल्तान सुल्तान की टीम बहुत अच्छी है और काफ़ी नामी ग्रामी प्लेयर हैं और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह हम लोग चैंपियन बने PSL सीजन 6 के। और बस मेरी बेस्ट विशेज हैं। क्या आपको अंदाज़ा था कि मुल्तान सुल्तान आपको सेलेक्ट करेगा? हमारा मैच चल रहा था अगेंस्ट KP के नेशनल बैंक ग्राउंड में, तो मैं मैच खेल कर आया था। मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उस मैच में और जैसे मैं होटल आया तो वहाँ ड्राफ्टिंग चल रही थी, तो जब मेरे रूममेट आए तो उन्होंने कहा कि यार तुझे मुल्तान सुल्तान ने पिक कर लिया, तो मैंने कहा यार मजाक नहीं करो। फिर मैंने TV खोल कर देखा ही था तो उन्होंने मेरा नाम लिया, मेंशन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मतलब मेरे ऐसा लगा कि मुझे मेरा आधा ख्वाब पूरा हो गया। क्रिकेट में आपका मकसद और अब तक की कामयाबी क्या है? क्रिकेट इसलिए स्टार्ट की क्योंकि यहाँ क्रिकेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है और मैं अपने बड़े भाई को देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। तो घर पर हम लोग छत पर खेला करते थे टेबल, तो फिर बाहर जब इलाके में आए तो वहाँ काफ़ी सीनियर प्लेयर थे, मीर हमजा, तारिक भाई और अनवर अली भाई, मीर हमजा भाई, तो इनको देख के मैंने हार्ड बॉल स्टार्ट की। एक दिन मैं भी इनकी जगह इनके लेवल पे पहुँचूंगा। ट्रायल्स हुए थे अंडर 16 के 2014 में, तो मैंने ओपन ट्रायल दिए थे, उसमें 6,000 से 7,000 प्लेयर आए थे, तो उसमें सर मसरूर थे, आज़म खान थे, तो उन्होंने मुझे देख के उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था अंडर 16 के लिए कराची से। 16 के बाद मैं पाकिस्तान अंडर 17 खेला और पाकिस्तान अंडर 18 खेला, फिर कराची से दोबारा अंडर 19 खेला। सर मसरूर हमारे कोच थे, 3 साल में कराची से रिप्रेजेंट की मैंने कराची से अंडर 19 और 1 साल पाकिस्तान 18, 1 साल पाकिस्तान 17। इंटरनेशनल मेरे टूर एक ही था दुबई के लिए और पाकिस्तान अंडर 18, तो हम वहाँ चैंपियन बन कर आए थे। फाइनल में हमने श्रीलंका टीम को हराया था, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, इंडिया और श्रीलंका, तो और पाकिस्तान हम लोग चैंपियन हुए थे। लास्ट 2 ईयर्स से मैं Grade 2 भी खेला हूँ, नेशनल T20 कप भी खेला हूँ और पाकिस्तान कप भी अभी रिसेंटली खेला हूँ, उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही और फर्स्ट क्लास भी सिंध से ही खेला हूँ और इंशाल्लाह आगे भी मेरी उम्मीद है कि मैं आगे भी इंशाल्लाह अच्छा करता रहूँ। तीनों फॉर्मेट्स में T20 को कैसे देखते हैं? T20 क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है कि इसमें आपके पास शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें टाइम कम होता है, इसमें आपका दिमाग भी यूज़ होना चाहिए और इसमें आपका पैशन भी होना चाहिए और एग्रेशन भी होना चाहिए और जो मतलब सोच समझ के दिमाग से खेलेगा मतलब उसी की क्रिकेट है ये। T20 में फास्ट बॉलर्स का कितना किरदार है? काफ़ी अहमियत है फास्ट बॉलर की, क्योंकि फास्ट बॉलर T20 में जहाँ बैट्समैन हावी हो जाता है बॉलर्स पे, तो फास्ट बॉलर स्लो वन वगैरह यॉर्कर, स्लो बाउंसर, तेज बाउंसर करके उस कंडीशन को हैंडल करते हैं। बचपन में मैंने काफ़ी टेप बॉल खेली, तो वो टेप बॉल वाली की तरह ही मतलब मैं यॉर्कर, स्लो वन वगैरह मिक्सअप बॉलिंग करता हूँ डेथ ओवर्स में। आप पाकिस्तान वनडे कप के टॉप 5 बॉलर कैसे बने? शुरू में हम पहला मैच हार गए थे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो हमारे कोच थे सर बासित भाई, तो उन्होंने कहा कि तुम बेस्ट हो, आप लोग सारे बेस्ट हो और बेस्ट करते रहे हो और करोगे भी आगे, तो बस इन उन्होंने हौसला अफजाई हमारी की, तो माशाल्लाह से हम लोग ग्रुप उसमें टॉप में थे हम लोग। मेरा यही टारगेट था कि टॉप 5 में या टॉप बेस्ट बॉलर रहा हूँ, टॉप बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि टॉप 5 में भी आया हूँ, हर हाल में शुक्र अदा करता हूँ और मेरे लिए बहुत अचीवमेंट की बहुत बड़ी बात है कि मैंने ये टारगेट अचीव किया अपना। अब तक किस खिलाड़ी को आउट करके ज़्यादा खुशी हुई हो? जब मेरा डेब्यू हुआ था, टेस्ट मैच की बात कहूँगा, कायदेम ट्रॉफी की मेरा डेब्यू हुआ था, तो मैंने पहले ही ओवर में अपने सलमान भट्ट को आउट कर दिया अपने पहले ही ओवर में, तो मतलब ड्रीम डेब्यू था मेरे लिए, इतने बड़े टेस्ट क्रिकेटर को मैंने पहले ओवर में आउट कर दिया। क्रिकेट के आगाज में आपका फेवरेट बॉलर कौन था? मैचेस वगैरह में देखता था तो मोहम्मद आसिफ मेरे फेवरेट बॉलर थे और वकार यूनुस, तो इनको देख के मुझे भी मतलब क्रेज चढ़ा कि मुझे भी मतलब कि क्रिकेट खेलनी है हार्ड बॉल। कोशिश करता हूँ कि मतलब एक मेरी भी पहचान बने कि मोहम्मद उमर कोई है। जब सामने कोई बड़ा बल्लेबाज हो तो दिल में क्या ख्याल आता है? बस दिल में यही होता है कि इस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर बनना है, चाहे वो फील्डिंग में हो या बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो। मैं प्लेयर का काम अपना 100% देना, मैं अपना 100% देता रहूँगा और दे रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं अच्छा करता रहूँगा आगे। छोटे से इलाके से बगैर वसाइल के नेशनल लेवल पर कैसे आए? बसों पे जाते थे, मतलब बस की छत पे बैठ के जाते थे, किराए के पैसे भी नहीं होते थे तो कंडक्टर वगैरह उतार देते थे कभी, फिर दूसरी बस में जाते थे, इस तरह लिफ्ट वगैरह लेके चले जाते थे कभी कभार, तो और नॉर्मल फैमिली हमारी मेट्रोविल में, मतलब मैं पैदा हुआ मतलब मेट्रो लाइन हॉस्पिटल में और यहीं इसी मेट्रोविल में रहता हूँ। यहाँ से लेके असगर शाह ग्राउंड काफ़ी दूर है, तो
मैं पैदल भी जाता था जब किराया नहीं होता था, तो काफ़ी मतलब स्ट्रगल किया, मतलब वो दिन मुझे याद आते हैं और आज के दिन मुझे याद आता है कि वो एक मतलब एक अच्छा सब इमोशनल हो जाता मैं कभी। एक एक जूता मैंने दो दो साल एक एक साल चलाया, कभी किसी प्लेयर से, कभी मीर हमजा से ले लिए मीरू भाई से, कभी अनवर भाई से, तारिक भाई से, तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो इन पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, फिर इनके सीनियर्स प्लेयर का शुक्र अदा करता हूँ। PSL देखें और मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करें, और उसके बाद पाकिस्तान को सपोर्ट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।